वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। अनुराग ने कहा है कि कुछ किसानों के मन में भ्रम फैलाया जा रहा है, सरकार बातचीत करने को अभी तैयार है। मोदी सरकार किसानों के कल्याण में सदैव लगी हुई है और आज भी 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी मनीष झा ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ इस समय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। अनुराग जी, 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए, दुनिया में तो शायद ही इतना बड़ा आंकड़ा कहीं हो, लेकिन आपको लगता है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का दिल आप लोग जीत पाएंगे? देखिए, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से कृषि मंत्रालय के साथ साथ किसान कल्याण मंत्रालय का नाम जोड़ा। क्यों? क्योंकि किसानों की भलाई मोदी जी करना चाहते थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए, जिसके माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये अगर किसानों ने प्रीमियम दिया था तो 70,000 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को मिला। पीएम किसान योजना मोदी जी लेकर आए तो किसानों को साल में 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने देना शुरू किया, 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को मिलता है और आज भी 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार देने जा रही है। इसके अलावा 1,00,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए कृषि आधारभूत ढांचे पर मोदी सरकार खर्च करेगी। किसानों की आय दुगने करने के लिए हर संभव कदम मोदी सरकार उठा रही है। मंडी के अलावा उनको मार्केट मिले, ये मोदी सरकार ने किया है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू मोदी सरकार ने किया, लागत प्लस 50% मुनाफा, और अब 2022 तक किसानों की आमदन को दुगना करने का काम भी मोदी सरकार करने जा रही है। तो फिर दिल्ली की घेराबंदी आखिर क्यों कर रहे हैं ये किसान, जब आप लोग इतना कुछ किसान के लिए कर रहे हैं? मैं इतना ही कहूँगा, देश भर के किसान खुश हैं। अगर कुछ किसानों के मन में कोई भ्रम है, कोई शंका है और किसी ने भ्रमित किया है, उसको भी हम दूर करने के लिए तैयार हैं और बातचीत के माध्यम से ही वो होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।